जो आप सबने उंगली ऊंची की थी जब मैंने पूछा था कि अक्षरधाम आप गए कि नहीं, वे अक्षरधाम के सर्जक और उस बीएपीएस संस्था जब बहुत छोटी थी उसमें से एक विश्व फलक पर रख दी, यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस दिला दिया इस संस्था को, वो हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 1950 में उनके गुरु ने उनको इस संस्था के प्रमुख बनाए थे, 2016 में वे धाम में पधारे, तब तक 65 साल वे इस संस्था के प्रमुख रहे विथ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। दुनिया में आप मुझे एक संस्था बताइए जिनके प्रमुख 65 साल से एक ही हो और सब सभ्य सब अनुयायी बहुत खुश हो उनसे, चाहते हैं सब कि वे ही हमारे प्रमुख रहे और कहीं सालों तक, ऐसी कोई संस्था या प्रमुख होंगे? देखो आप सब ना कह रहे हैं। He became the guru of this organization in 1971. So for another 45 years, he remained the spiritual head of BAPS. So 65 years as president and unme se hi 45 years as spiritual head. So for 45 years, he was the whole and soul of this organization. कार्य क्या किया उन्होंने? हम बैठे थे ऊपर, मैंने बात की थी, 1300 से भी ज्यादा मंदिर बनाए छोटे मोटे, 150 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, हॉस्टल्स और कॉलेजेस बनाई, दुनिया के 18,000 गांवों में 60 देशों में उन्होंने विचरण किया। He personally visited more than 60,000 villages. पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो, वॉलंटियर्स खड़े हो जाओ और पीछे थोड़ी कुर्सी रखवा दो। उबो सर, पाछड़ कुर्सी रख, अन तू पाछड़ उबो रे, बदा आवे न व्यवस्थित बेसाड़, बेसी ना जासो सब आवा। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने इतना परिश्रम अपने जीवन में किया, पुरुषार्थ अपने जीवन में किया। आप किसी भी जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं, किसी को भी आप पूछो कि व्हाट इज विजिटिंग 18,000 विलेजेस इन अ सिंगल ह्यूमन लाइफ। कोई मुझे प्रश्न ऊपर पूछ रहे थे जब बैठे थे तब कि सामाजिक सेवाएं कैसे बढ़ाएं, मैंने जवाब दिया था कनेक्टिविटी एंड प्रवृत्ति, कनेक्टिविटी एंड एक्टिविटी, इससे आपकी संस्था बढ़ सकती है, बड़ी बन सकती है। मोर कनेक्टिविटी, दैट इज द राइट वर्ड दैट यू हैव यूज हियर, एंड मोर एक्टिविटीज, दैट इज मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। तो ही मेट मोर देन 20 मिलियन पीपल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। सुबह, दोपहर और शाम को 200-200 लोगों को व्यक्तिगत मिलते थे, उनके प्रश्न वे सुनते थे और प्रश्न सुनने के बाद वे उनका उत्तर देते थे, उनको संतोष देते थे। फॉर 50 years in his lifetime, he met 600 people personally every day. He read and answered more than 7 lakh letters during his lifetime. 7 lakh letters. At an unbelievable average of 70 incoming letters, mails and faxes per day, and he is to answer it. इनमें से अगर एक भी काम हमें करना हो ना तो भी जिंदगी पूरी हो जाती है, तो भी पूरा नहीं होता। इसमें से कोई भी एक आइटम ले लो, आप चूज कर लो। एवरी डे इन द इवनिंग ही यूज्ड टू सिट, जैसे हमारे एक घंटे डेढ़ घंटे का ये सेशन है, ऐसे एक डेढ़ घंटे का सेशन हर रोज शाम को, जहां भी वे थे पृथ्वी पे, 60 देशों में से कहीं भी, हर रोज शाम को वे सेशन में बैठते थे, एंड इन दैट हाफ एंड हाफ आवर सेशन फॉर 20 मिनट्स ही यूज्ड टू ब्लेस द असेंबली। मतलब हर रोज 20 मिनट बोलना फॉर 50 इयर्स। ही नेवर सॉ अ संडे इन हिज लाइफ। ही इनिशिएटेड मोर देन 1050 सेंट्स लाइक अस। उसमें से 750 से ज्यादा ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स हैं। उसमें से 150 बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन्स हैं। उसमें से 50 स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, कार्नेगी मेलन में पढ़े हुए हैं।
हमारे कहीं सन 25, 28, 30, 32, 35 साल के जो 1 लाख डॉलर्स, 2 लाख डॉलर्स की तनख्वाह छोड़ के आए हैं, फिर वो यहां के 2-5 हजार में हाथ डालेगा? वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ के इधर आया है? प्रमुख स्वामी वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ वॉलंटियर फोर्स ऑफ 55,000।